देखो मैं आभार आयो हूँ आपने ठाए बीकानेर एरियर मैंने और जश्नाजी महाराज रा खूब मैं मंदिर दर्शन करवा रही हूँ और कत्रियासर आसपास खूब जश्नाजी महाराज रा मंदिर है। देखो कटी अवतार भूमि है, कटी जश्नाजी गोरखनाथ जी रो मिलन हुयो है, की जगह जश्नाजी गोरखनाथ जी रो जो उपदेश भूमि है बीरा दर्शन करवाया, डाबला तालाब अवतार भूमि रा दर्शन करवाया, कत्रियासर जो मुख्य मंदिर है बीरा दर्शन करवाया, सती माता रे मंदिर है दर्शन करवाया और अबे मैं भी जगह खड़ो हूँ जटे जश्नाजी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी रो मिलन हुयो पहली बार। अटे जश्नाजी महाराज गाया चरौन आया और गोरखनाथ जी मिलिया और किन जोगी भरमाया जको जको शब्द कतियो वो ई जगह रो है। और देखो आज की खेजड़ी है और आवा जगह है धुनो है अटे आज भी जश्नाजी महाराज रो और कनो देखो भव्य मंदिर बनियोड़ो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज रो। तो अटे जका सिद्ध जी महाराज है बे अपन मन पूछाला बहुत शानदार जश्नाथ परंपरा मैंने जो को शब्द कतियोड़ो है इस जगह ने लेन भी शब्द रही भी आपने मैं आटे सुनौला बहुत भव्य आपने मंदिर में दर्शन कराऊंला और बहुत बढ़िया वीडियो है आप सुनौला। तो आपने ठा पड़ेला कि जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी रो मिलन किकर हुयो, जश्नाथ जी महाराज अटे गाया चरावता बिर बाद में जश्नाथ जी महाराज साथ आपने ठाया कि घरों बार माता जी चूरमो देन भेजियो, जो को जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी रो मिलन हुयो जन भी प्रसाद रूप में वो चूरमु जीम और गुरु चेला देखो बड़ा प्रसन्न हुआ और बा आ जगह ई देव भूमि रा आपने दर्शन करवा रही हूँ। आ जगह है बागथली कत्रियासरू 6 किलोमीटर आगे बाएं और कत्रियासरू और जो को गोरखनाथ जी रो मंदिर है वो उठो सीधो दिखिया करे आप अगर दर्शन दे तो कदी आटा उन काम पड़े तो निना आप घर बैठा आ देखो दर्शन करो। आ है देवभूमि जटे जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी महाराज रो मिलन हुयो, आओ आपने मंदिर रा दर्शन कराऊँ और बहुत बढ़िया आपने ई मंदिर परंपरा रे बारे में भी बतावा। और ये अभी आप दर्शन कर रहे हैं बागथली जहाँ पर जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मिलन हुआ था और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। देखिए कितने सुंदर आप दर्शन कर रहे हैं, अखंड ज्योत जग रही है और जश्नाथ जी महाराज का गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ये मंदिर है। ओम नमो आदेश बाप जी। ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ जी। आप रो शुभ नाम का ही है? मेरा नाम रामनाथ। रामनाथ जी अटे पूजा पाठ आप ही करो? हाँ सर आप ही करो। बहुत बढ़िया सी जी महाराज आप जश्नाथ परंपरा मैंने बागथली रो बहुत महत्व बतेड़ो है, जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी रो मिलन आठ हुई। आठ मिला भयो जश्नाथ जी महाराज 12 वर्ष की उम्र में गया चरण आया गोरखनाथ जी महाराज गुरु उपदेश दियो पहले नाम जसवंत हो जश्नाथ नाम अठ रखे जश्नाथ नाम अठ रखे। बहुत बढ़िया मतलब एक ऐसा हूँ जश्नाथ संप्रदाय मैंने बहुत पूजनीय स्थल है वो। हाँ पूजनीय स्थल बाप जी जश्नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी रो मिलन हुयो। हाँ। बिन टेमरा अपर जश्नाथ शब्द ग्रंथ में जो को शब्द कतियोड़ है वो आप थोड़ा सुनाओ ने। हाँ शब्द सुनावा जश्नाथ जी महाराज गोरखनाथ जी समत 1563 मिलिया 1563 तो शब्द जना कथन करिए है हरे जी महाराज के कल दस में प्रगटिया जादू घर जानी राया जादू घर जानी राया जानी जाट मीर जी उता जिन घर बालक आया आया बालक आव या हरियाणा सोन थाल बजाया सोन थाल बजाया सोने की तनिया पिंगो बांधो ले माता घर आया जोशी ने पूछने भवा जी आल्या भर मोत्या को थाल थाल कुलरा जोशी पुस्तक बांचा बेंचा वेद सुवाया वेद सुवाया दिना दसांगो दसोटन थरपियो जसवंत नाम दिराया जसवंत नाम दिराया दूजी दुनिया जगतल बदे जसवंत जोत सवाया सवाया नाना सिंह अरे मोटा होया बरस बारह भराया बारह बरस गया बारह बरस रविया ऋण बिजण में हेड़ चरण थी सोदण ने मुकलाया ऋण बिजण में हेड़ ना गया हुए अच्छा गया चरण आया गया चरण में ऋण बिजण में गया चरण थी सोदण ने मुकलाया चूर चूर मुंह फड़के बांधो हेतकर माय जी माया हेतकर माय जी माया जश्नाथ जी महाराज माता बा चूर मुंह चूर दिवाला भाई तुम भूख लागे ना जीम ले बिल्कुल से। और पुरानी परंपरा में हमेशा चूर मुंह जो हमें शहरान महीने टिपन तैयार करे हाथे जो पहली टाइम हाथे चूर मुंह कर देता चूर मुंह कपड़े में बांध देता ऐसा कपड़े में बर्तन कम ही होता बर्तन कम होता बहुत बढ़िया देखो चूर चूर मुंह फड़के बांधो हेतकर माय जी माया बाग थली में गुरु गोर मिलिया जिन जोगी भरमाया जिन जोगी भरमाया आ बाग थली आ दौड़े नाम बिल्कुल सही भरमाया जो को शब्द है इरो काई अर्थ हुए
भरमाया ना तो बने मतलब रस्तो चेंज करा रस्तो बतायो रस्तो चेंज रस्तो भक्ति को रस्तो भक्ति रो रस्तो बतायो बिल्कुल सही जिन जोगी भरमाया काना फूंकशीस पर गुजा सतका शब्द सुनाया सतका शब्द सुनाया तो बड़जसनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज काना में फूंक दी और माथे पर हाथ में अगर सतगो शब्द सुनाया सतगो शब्द सुनाया बिल्कुल सही सतगा शब्द सुनाया चेले के फड़के भोजन हूं तो गुरु चेलो फड़ पाया रल पाया बड़जसनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज ने गुरु मंत्र सुना दियो जसनाथ जी बोले महाराज मारे गुरु गया आपने की दीक्षा देना चाहूं पर और रिपो पैसो मेरे कन है कोनी है कौन ओ माता को दियो चूर में ओ है महाराज प्रसाद है प्रसाद ही के भाई अनुदान सबसे मोटो है मोटो दान बिल्कुल पर गोरखनाथ जी और जसनाथ दोनों बड़ खेजड़ी अठ बैठ चूर मु जिम्या गोरखनाथ जी कने डिब्बी में जलो बो चेलो बना जल पायो जल पायो पछ जसनाथ जी बोले महाराज मार थी माता पिता है घरे बन भी आपका दर्शन कराना चाहूं भी है जसनाथ जी गुरु है गोरखनाथ जी मारा दर्शन मार माता पिता जी ने हाँ माता पिता ने मैं आपका दर्शन कराना चाहूँ बहुत सुंदर तो गोरखनाथ जी कर दे जो ठीक है बच्चा चालो के चालो के माता जी ने पिता जी दर्शन दे जन बटू चूर मो जी मर आज जगह पा है आज जगह पा है भाग थ्री जटे उपदेश दियो अठे मतलब हाँ अर्जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी गुरु उपदेश दियो गुरु उपदेश 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र तो बड़ू गोरखनाथ जी महाराज अर्जसनाथ दोनों रलमल चले रलमल चले नगर नेड़े गाया नगर नेड़े कतरिया से नजदीक आया ना बट जसनाथ जी महाराज आगे लार लार गोरखनाथ जी बाद गोरखनाथ जी महाराज गांव नजदीक गांव तई अलोक अलोक हो गया देखना बंद हो गया देखना बंद हो गया दूजे कि दर्शन देना को नहीं बिल्कुल सही देखना बंद हो गया जसनाथ जी महाराज उन्होंने खोज तक आया गुरु जी बार आवा था किन गया किन गया तो खोज तक आया खोज भी मिलिया को नहीं गोरखनाथ जी महाराज का खोज मंडी मंडी कौन बैठ अलोक होगा अलोक गया अलोक या बीन जिया दो पगलिया मंडूड़ा लाजा गोरखनाथ जी जसनाथ जी जसनाथ जी बहुत सुंदर बे पगलिया कनी जसनाथ जी महाराज बैठ गया भजन करने लग गया हाथ के मां जाल की कामड़ी बारो पर भी कमंडल मु जल गा दियो और बा जाल अच्छा बा कामड़ी रोपी जसनाथ जी महाराज जसनाथ जी महाराज बहुत सुंदर और बा सुख की कामड़ी रोपी और हरी हां हरी होगी बा जाल आज तक मौजूद है गोरखमाल भी नाम गोरखमाल रखा बिल्कुल सही भी जगह रो नाम गोरखमालियो है जटे जसना जी महाराज बैठन भक्ति करी भक्ति करी बहुत सुंदर कितना बरस भक्ति करी 12 वर्ष भजन करियो 12 वर्ष भजन करियो पच्चे 12 वर्ष भजन करियो बीन टाइम में हरोजी महाराज आ बमलुआ बमलुरा बे एवड़ चरामतार जसना जी महाराज के नार ज्ञान चर्चा सुनना उबा गई ज्ञान हो गयो का ज्ञान हो गयो जसना जी सेवा लागा भजन करा एवड़ ने छोड़ दियो हरोजी महाराज हरोजी महाराज जसनाथ जी महाराज की 12 वर्ष सेवा सेवा में रिया जसनाथ जी महाराज का शरीर थका चेलो हरोजी एक ही अच्छा हरोजी आ जड़ तई जसनाथ जी संसार में दर्शन दिया जड़ते हरोजी बाई सेवा की हरोजी सेवा करी और चेलो एक ही बने और चेला अनेक चेला कौन बनाया कौन बनाए बिल्कुल सही और पाठवी चले हरोजी आ पाठवी चेला यार पाठवी कहा चेला शरीर का एक ही एक ही और चेला आई कौन बिल्कुल सही और कोई पीड़ आयो तो जसनाथ जी महाराज कने बाम बैठा बैठा ही कोई पीड़ा मेटी बन जार कठी को नहीं जसनाथ जी महाराज को डाबले में उतार भी और भागत ले गुरु उपदेश भी और अड़गोर मारे तपस्या करी एक बड़ कनी समाधि ली और जसनाथ जी महाराज कठी घूमण ने गया को बहुत तो रलमल चाला नगर नेड़ा आया नगर नेड़े रे आया चेलो फिर गिर पाछो जो है गुरु मार नजर नहीं आया गुरु नजर नहीं आया मार पला थी तपस्या बैठा सूर्य सिंह निवलाया निवलाया बमलू सिंह सिद्ध हरमल आया सेव गुरा री पाया पाया हरमल हरी सेवा की नहीं पार गुरा रो नहीं पाया पाया हरमल ने गुरु गया दिन दी 17 राय बताया 17 राय बताया जति सती वो अवसर जोड़ो दिन सातुंग थाया सातुरा ठाया ले मजीरा गावन बैठा गेरो मादल गायो गेरो मादल गायो चरण सीधा में जियो जी सांख लो बोला जलम झोलरो गायो जियो जी नाम आ सांख ला राजपूत मांगो संत कथुड़ा मानस कथुड़ा देखो कितनी बढ़िया रचना करी है बहुत बढ़िया आप रो शुभ नाम काय बताओ मेरो नाम रामनाथ है रामनाथ जी हां कतरिया सिंह जानी सीधा बहुत बढ़िया एक मिनट को रुक जो
बहुत बढ़िया। आपरे आटे जो कोई भगत रात वगैरह रुके तो व्यवस्था वगैरह आपरे आटे मिल जावे? हाँ व्यवस्था कुछ बनी है आज तक, पानी कोई थोड़ो हो अब पानी को ट्यूबवेल बन गयो, सौर ऊर्जा चलावा कुछ तीन कमरा भी बनाए है, दुबे तो थोड़े बिछ पड़े आंगना की वाट बाकी है, चले काम काम चले है, कोई नावन करे लेटरिन करे बे बाकी है जो थोड़ा। बहुत बढ़िया, कुल मिलान अबे व्यवस्था धीरे धीरे बने, धीरे धीरे व्यवस्था हुए हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये आपको सुंदर दर्शन करवाए मैंने शिव जी महाराज के, और ये आप दर्शन कर रहे हैं कतरियासर के पास में जो जगह है बाघथली, जहाँ पर जसनाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी का मिलन हुआ, और कितना देखिए यहाँ पर भव्य ये मंदिर बना हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर देखिए गुरु गोरखनाथ जी और जसनाथ जी का मिलन हुआ, बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए जितने भी भक्त लोग आते हैं, यहाँ जो धुना है यहाँ की जरूर भभूति लगाकर अपने शरीर को अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, और बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप। ये वो जगह है जहाँ पर जसनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मिलन हुआ, बहुत पवित्र और पावन भूमि है ये। देखिए जहाँ पर बताया जाता है कोई न कोई संता की पावन भूमि रही है, जहाँ पर शीश निवाया जाता है, और यहाँ देखिए भगत जितने भी आते हैं वो परिक्रमा देते हैं, यहाँ शीश निवाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।